हिमांशी जी का सपना है यूट्यूब से लाखों महीने कमाने का, सही बोला जी। लेकिन चैनल की सेटिंग क्या है, चैनल कैसे खड़ा होगा, कौन सी उसकी न्यू है, चैनल की कौन सी सेटिंग करनी अनिवार्य है, वो तक इन्होंने अपने चैनल पे नहीं किया है। 11,000 सब्सक्राइबर्स है मैडम के चैनल पे, सही बोला ना मैम जी। अरे जब चैनल की आप सेटिंग नहीं करोगे, चैनल किस कैटेगरी का है, चैनल आपका सर्च में नहीं आ रहा है, सुना है जी। चैनल के कीवर्ड्स नहीं डाला इन्होंने, हिमांशी चौहान _120 चैनल का नाम तक आपने सही से नहीं लिखा, क्या डालते हैं आप अपने चैनल पे, हिमांशी चौहान चैनल पे वीडियो क्या डालते हैं, ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग व्लॉग डालते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं। लेकिन समस्या यहां पर है, यूट्यूब तो काम करना है, वीडियो तो डालना आता है इनको, लेकिन उस चैनल पे क्या सेटिंग करनी होती है वो नहीं पता है, वो आपको समझ नहीं। ऐसे करके कितने यूट्यूबर आज जल्दबाजी में यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि सेटिंग क्या होती है। ये एक नहीं है, ये तो है हिमांशी जी हैं, इनकी एक सिस्टर है नर्मदा जी, आप भी आ जाइए मैडम जी। इधर आइए, ये है नर्मदा जी पीछे, इनका भी चैनल है, और इन आपके चैनल के क्या नाम है, नर्मदा हिमांशी चौहान _1246, इनके भी चैनल का ये नाम है, इन्होंने भी अपने चैनल पे कोई सेटिंग नहीं किया, चैनल का नाम तक सही से नहीं दिखा, तो चैनल नाम सर्च में कैसे आएगा बताइए। आपसे अगर कोई पूछेगा आपका चैनल का नाम क्या है, तो आप पूरा इतना बताएंगे, किसी के पास इतना टाइम है कि आपका चैनल का ऐसे नाम, आपने कभी वीडियो देखी ही नहीं, सही सही बताना कि चैनल की सेटिंग कैसे की जाती है। जब हमने बताया था वीडियो में, आपने कभी चेक किया था सेटिंग पे, नहीं किया ना, नहीं। चलिए आज हम चेक करते हैं आपके चैनल पे, देखते हैं इनके चैनल पे क्या सेटिंग नहीं है जिसकी वजह से 11,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आज इनका चैनल मोनेटाइज भी नहीं है। बहुत दुख हो रहा है इस चीज का कि ये हमारी वीडियोस बोल रही है कि देखती हैं, लेकिन इनके चैनल पे आज भी तक चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ। चलिए नम्रता जी आप बैठिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना चाहूंगा, ठीक है, ये बीच में मैं लगा रहा हूं आपको, इनके चैनल पे क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम क्रोम पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने कमियां की हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। कब से काम कर रहे हैं मैडम जी, 1.5 साल से, 1.5 साल। चलिए हम YouTube पर आते हैं और YouTube गूगल पे सर्च करते हैं YouTube, और ये देखिए आ चुका है, हम इसे डेस्कटॉप मोड में ऑन करते हैं। ये आई हुई है, ये ट्रेवलिंग वीडियो बनाती हैं, भारत यात्रा करते हैं आप विदाउट मनी, लिफ्ट ले लेकर, लिफ्ट ले लेकर इतना वीडियो बनाते हैं आप, मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत तो बिल्कुल बेकार जा रही ना, बताइए है ना, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या, डरिए नहीं, हम आपकी प्रॉब्लम को सही करते हैं, बाकी आपकी सिस्टर की भी प्रॉब्लम, बाकी ये जितने भी लोग हैं इनकी भी यही प्रॉब्लम होगी। अब मुझे पता है कि जो गलतियां इन्होंने की, आप लोगों में से 90 या फिर 85% लोग किए बैठे हैं अपने चैनल पे, तो ये सेटिंग जरूर करिएगा। हम यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप मोड में ऑन कर दिए इनके चैनल को, और यहाँ पर हम ऊपर क्लिक करते हैं और इसको हम इनका जो स्टूडियो मोड है वो ऑन करते हैं, ठीक है, तो स्टूडियो यहां से ओपन करते हैं, क्रिएटर स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में, तो यहां पर इनका ओपन हो रहा है। तो मैम आप यहां पर पहले शॉर्ट वीडियो डालती थी जी, फिर लॉन्ग वीडियो डाल रही हैं जी। हमने कितनी बार बोला है कि लॉन्ग का अलग बनाइएगा, शॉर्ट का अलग बनाइएगा, लेकिन आपने वो काम नहीं किया ना, कि और ये जितने भी पब्लिक, ये देखिए आपका चैनल आज फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर हम लोग ये स्टूडियो ओपन कर रहे हैं डेस्कटॉप में, आज तक आपने डेस्कटॉप मोड में अपने चैनल को नहीं ओपन किया, क्यों, सेटिंग कहां से करेगी, सेटिंग तो यहीं से होगी ना, ये देखिए आज तक मैडम ने अपने चैनल को नहीं किया। इनका चैनल है, इन सभी के चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, इन मैम को जाके सपोर्ट करिएगा, बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन मेहनत करने की कुछ कमियां हैं इनके चैनल पे जो कि पहले इन्होंने नहीं किया, सीखना चाहिए। आप यहां पर देखते, मैं आपको दिखाता हूं, मैं सेटिंग पे जाता हूं और सेटिंग पे क्लिक करते हैं, यहां पर चैनल की सेटिंग होती है। कोई भी चैनल शुरुआत करने से पहले हमें सारी सेटिंग करनी पड़ती है कि हम अपने चैनल पे कौन से कीवर्ड को रैंक कराएंगे, कैसे हमारा चैनल सर्च में आएगा, कैसे हम उस पर वीडियोस डालने वाले, किस कैटेगरी के वीडियो डालने वाले। आपने शायद वो सब कुछ नहीं किया। देखिए चैनल की सेटिंग, चलिए यहां पर बढ़िया है, कोई बात नहीं। अब जाते चैनल पे,
अब चैनल पे जाते हैं और ये देखिए आप भाई साहब, कंट्री ऑफ रेसिडेंस कोई नहीं है, ना चैनल के कीवर्ड है ना चैनल की कंट्री है। कौन से देश में रहते हैं आप? इंडिया में रहते हैं। तो ये आप अपने YouTube को बताइए ना चैनल को कि हमारा चैनल इंडिया से है। अभी तक आपने ये तक नहीं बताया कि भैया मैं, मेरा चैनल इंडिया से रन हो रहा, हमारा चैनल इंडिया का है। तो यहां पर सबसे बड़ी गलती देखी, इन्होंने कंट्री तक सिलेक्ट नहीं किया। चलिए यहां पर हम कंट्री का सिलेक्ट करते हैं। और आप लोग भी ये गलतियां मत करिए, चैनल बनाने से पहले चैनल जब बनाएं तब पूरी प्रॉपर तरीके से उसको कीवर्ड रैंक कराइए। चैनल का नाम बहुत जरूरी है, जो कि इन्होंने कुछ नहीं सोचा। चैनल का नाम इनका चेंज होना है, चैनल का नाम चेंज करिएगा सबसे पहली बात तो, ठीक है। ये देखिए कीवर्ड्स, अब चैनल का नाम इनका भी बदलते हैं। चैनल कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स है, इसमें आपने कभी नहीं कुछ डाला तो कैसे आपका चैनल सर्च में आएगा बताइए। जैसे मान लीजिए मैं अपने चैनल का नाम रख दूं अंशु मौर्य व्लॉग, अब अंशु मौर्य व्लॉग तो बहुत सारे लोग होंगे, तो मेरा चैनल सर्च में कैसे आएगा? हम किस टाइप की वीडियो में हमारे चैनल की वीडियो हमारा चैनल रिकमेंड करेगा? वो हमें कीवर्ड्स यहां पर डालने हैं। यहां पर इनके चैनल पे वो कीवर्ड डालने हैं, अगर आपने नहीं डाला तो डालिएगा। आपका चैनल क्या है? ट्रेवलिंग से रिलेटेड है। आप चैनल का क्या नाम रखना चाहती हैं? हिमांशी चौहान क्या रखना चाहती हैं? ट्रेवल विद हिमांशी। तो देखिए अब इनका चैनल है ट्रेवल विद हिमांशी, तो अब ये आप रखना चाहते हैं तो यहां पर आपको वो कीवर्ड डालने हैं जिससे आपका चैनल सर्च में आए। जैसे कि आपको डालना है ट्रेवल विथ हिमांशी, विथ हिमांशी, तो आपने ये डाला हिमांशी, ठीक। ये आपने एक आपका एक कीवर्ड यहां पर लिख गया, ठीक। एक कीवर्ड यहां पर हमने डाल दिया आपका, ठीक है। ये क्या हो रहा, फोन है आपका हैंग हो रहा है इतना? हाँ, ये ट्रेवल विथ हिमांशी। अब इसके बाद हिमांशी पर नाम तो डालिए, इसमें हिमांशी डालेंगे, ट्रेवल ब्लॉग हिमांशी, हिमांशी ट्रेवल ब्लॉग, मतलब क्या करना है, हमें नाम को ही ऐसे करके उल्टा सीधा करना है, जैसे यहां पर है, कैसे भी सर्च किया जा सकता है। तो हिमांशी ट्रेवल ब्लॉग्स, ठीक। ये अब क्या डालेंगे, कहां से, टूरिस्ट प्लेस, ट्रेवलिंग ब्लॉग डालेंगे ना, लाइफ स्टाइल ब्लॉग भी डालेंगे, नहीं डालेंगे? डालेंगे लाइफ स्टाइल ब्लॉग भी डालेंगे। तो ये आपको पूरा आपको फिल करना पड़ेगा। अब आपने इसको फिल ही नहीं किया, ट्रेवलिंग ब्लॉग, ट्रेवलिंग ब्लॉग्स, चलिए ये भी डाल दिया। तो इस तरीके से आपको अपने चैनल के नाम से रिलेटेड कुछ कीवर्ड डालने हैं, और आप अपने चैनल पे किस टाइप के वीडियो डालेंगे उस टाइप के आपको कीवर्ड डालना है, ठीक है। जैसे हमने यहां पर डाला है, आप लोगों को भी डालिएगा यहां पर। तो ये देखिए कमियां कितनी है इनके चैनल पे, ना इन्होंने अभी तक ये डाला था, इसके बाद एडवांस सेटिंग पे जाते हैं। अब इन्होंने अभी तक अपने चैनल को ये नहीं बताया कि ये चैनल पे अपने बच्चों वाली वीडियो डालती हैं, या वीडियो आपने ये नहीं बताया कि कौन सी वीडियो, नो। तो आपको यहां पर क्या करना होता, नोट, आप बच्चे वाले वीडियो तो बनाते नहीं, किड्स वाले, तो भैया मेड अप फॉर किड्स में नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है, हर बार आपको ने एक बार सेटिंग कर देनी है, नो सेट कर देना अपने चैनल को, ठीक है ना। तो ये आपको नो सेट कर देना, ये आपने नहीं किया। अब बात करते हैं फीचर एलिजिबिलिटी में, ये आपने सारी चीज चालू रखी है, इन्होंने ये चीजें चालू रखी है भैया, सब कुछ सारे फीचर्स इनके चालू है, लेकिन सेटिंग नहीं किया जो करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अब यहां पर आते हैं अपलोड डिफॉल्ट में। यहां पर सबसे बड़ी बात है, चलो टाइटल कोई बात नहीं डालना, डिस्क्रिप्शन कोई बात नहीं, विजिबिलिटी आपको अनलिस्ट कर देना है, अनलिस्ट रखिए वीडियो को स्टार्टिंग में। यहां अपने चैनल पे प्रॉपर कर दीजिए, वो तो वहां से कोई बात नहीं, यहां भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब यहां पर मेन आते हैं एडवांस सेटिंग, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सेटिंग मैडम ने तो नहीं किया, 11,000 सब्सक्राइबर हो गए और आज तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। अब यहीं पर कमियां हो जाती हैं कि आपने अपने चैनल को यह नहीं डिसाइड किया कि आपका चैनल किस कैटेगरी को फॉलो कर रहा है। वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चैनल की बात कर रहा हूं। चैनल आपने कैटेगरी नन रखी, लो सब कुछ तहस नहस हो गया आपके चैनल का, इतना मेहनत करने के बावजूद भी। क्या करते हैं आप, ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रेवल एंड इवेंट डालिए, पीपल एंड ब्लॉग्स करिए,
जो भी आप करते हैं, क्या करते हैं? ट्रेवलिंग करते हैं, तो ट्रेवल करिए फिर, आप ट्रेवल करिए इसको। ब्लॉगिंग अगर आप लाइफ टाइम लाइफ स्टाइल वाले कर रहे हैं तो इसको पीपल एंड ब्लॉग भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं जी। दोनों कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको जो सब सही लगे, ठीक है? मैं पीपल एंड ब्लॉग कर रहा हूं क्योंकि इसमें ऑडियंस ज्यादा है, समझ गए? वीडियो की लैंग्वेज क्या है आपकी, वो तक आपने नहीं डाली आज तक। क्या किसमें? उर्दू में बोलते हैं आप? हाँ, हिंदी में बोलते हैं। तो वीडियो की लैंग्वेज क्या है? हिंदी रखेंगे, थोड़ा सा मजाक भी कर लेते हैं हम। डरिए नहीं, डरिए नहीं, ये आप नहीं, आपके जैसे और लोग हैं जो किए बैठे हैं। बाद में यही होगा कि 2,50,000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे फिर भी चैनल मोनेटाइज नहीं करा पाएंगे। चलिए यहां पर आते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज क्या है आपकी, वो भी हिंदी है, हिंदी में डालते हैं ना आप, तो वो भी हम हिंदी कर देते हैं। तो ये आपको मैडम पहले करना चाहिए था, हम तो वीडियो बना चुके ना चैनल पे, आपने कभी चैनल पे देखा ही नहीं क्योंकि आप यूट्यूब के बारे में सीखना ही नहीं चाहती है सही से, यही गलती है इनके चैनल पे, ये कर दिया हमने सारे, यही है मेन जो इन्होंने नहीं किया। चलिए मैं सेव कर देता हूं इनका। अब एक अपना हैशटैग बना लीजिएगा अपने चैनल का, ट्रेवल विथ हिमांशी, हैशटैग ट्रेवल विथ हिमांशी। आपको हर जगह अपने टैग में, अपने डिस्क्रिप्शन में हर जगह यूज करना है उसको, ताकि आपका सर्च में चैनल जल्दी आए, ठीक है? आपका ये सेटिंग मैंने कर दिया, ठीक है? यूट्यूब पे चलते हैं और इनका यहां से चैनल चेंज कर देते हैं, ठीक है? हम चैनल का नाम इनका चेंज कर देते हैं। देखिए अब इस तरीके से नाम आपने कुछ सीखा ही नहीं पहले, आप इसको सीखते तो पहले कैसे चैनल का नाम रखना पड़ता है, कुछ भी नहीं। ट्रेवल विथ हिमांशी, तो आपका जिस टाइप का आपका कंटेंट है उसी हिसाब से आपको चैनल का नाम भी लिखना पड़ेगा। टेक से रिलेटेड है टेक डालना है, फूड से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है तो कुक वगैरह, ये आप किचन वगैरह इस तरह बेकरी इस तरीके के वर्ड यूज करेंगे। ब्यूटी से रिलेटेड है तो उस तरीके का आपको यूज करने पड़ेंगे। आपका देखिए चैनल मैंने नाम चेंज कर दिया, ठीक है? हो गया ट्रेवल विथ हिमांशी। अब अच्छे से बैनर बना लीजिएगा, एक लोगो अच्छा बनाइएगा, है ना? बाकी एक ही चीज देखिए, कस्टमाइज तक आपने नहीं किया चैनल को। एक कस्टमाइजेशन होता है, कोई हमारे चैनल पे आता है तो उसको दिखे कि नहीं हमारा चैनल कैसा है, उसके लिए कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दोस्तों यहां होता है, ये इस पे हमें क्लिक करना है। ये डॉलर के नीचे होता है सिंबल, यहां कस्टमाइजेशन आ गया। ये देखिए आपके चैनल पे देखिए शॉर्ट वीडियो सबसे पहले होता है, इसको आप हटाइए यहां से, कोई देखेगा? यहां से आइए, इसके बाद आप ऐड करिए सेक्शन, इसके बाद शॉर्ट डालिए, आप शॉर्ट लास्ट में रखिए बिल्कुल। आप यहां से आप क्या करिए, पॉपुलर वीडियो कर दीजिए, इसके बाद यहां से आप क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। इस तरीके से पूरी तरीके से चैनल को आपको कस्टमाइज करना है, जिससे चैनल देखने में अच्छा लगे। जो दिखती है वही बिकती है, यूट्यूब पे वही है। ये देखिए अब आपका चैनल देखिए बदल गया, शॉर्ट वीडियो आपके नीचे आ गए। अब इनकी एक कमियां है, ये शॉर्ट वीडियो ज्यादा डालती, ट्रेवलिंग वीडियो बनाते हैं, थंबनेल ठीक है, आपके लग रहे हैं ठीक है, लेकिन मैम यहां पर समस्या यही पर है कि आपने जो ट्रेवल व्लॉग चालू किया है आपके पास वो ऑडियंस नहीं है जो आप अपने फेस वैल्यू पे कभी बनाए हैं। अगर बनाए होते तो शायद आज आप इतने परेशान नहीं होते। बाकी चैनल पे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, जो हो कि बेवजह काम किया जा रहा था इस चैनल पे। हम कोशिश करेंगे, देखिए डिस्क्रिप्शन तक आपने नहीं लिखा है, डिस्क्रिप्शन तक नहीं लिखा आपने, लिखा है आपने प्लीज सपोर्ट माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। अरे एटलीस्ट डिस्क्राइब करिए कि आप इस चैनल पर लोगों को क्या प्रोवाइड करने वाली है, किस टाइप की वीडियो डालेंगी। डिस्क्राइब योरसेल्फ, ऐसे अपना होता नहीं इंट्रोडक्शन, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, उसी तरह चैनल को डिस्क्राइब करिए कि हम अपने चैनल पे किस टाइप का वीडियो डालने वाले हैं, जिससे ऑडियंस आपकी वीडियो पे चैनल पे टिके, ना कि ये हाथ जोड़ने से कुछ होने वाला है। वीडियोस अच्छे बनाने पड़ेंगे आपको। चलिए आपका ये चैनल हमने सेटिंग कर दिया, ठीक है? ये लीजिए चैनल का नाम भी बदल दिया, लेकिन मेहनत बहुत किया इन्होंने चैनल पे। आइए नर्मदा जी आप भी आइए, इनके भी चैनल पे देख लेते। देखो दोनों बहने हैं, दोनों नाम में चल रही हैं, है ना? एक ही नाम बैठ गई हैं, एक दोनों लोग। लाइए आपका चैनल है, आपका चैनल क्या काम करते हैं आप भी? ट्रेवलिंग, आपका भी ट्रेवलिंग का है। चैनल का नाम आपके क्या है? नम्रता हिमांशी चौहान। मैम का नहीं, चैनल का नाम है, देखिए कितना बड़ा नाम है, आप खुद बताइए। नम्रता _ हिमांशी _ चौहान, अब बताइए इतना बड़ा नाम कौन सर्च करेगा मैडम जी, बताइए। 9,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं,
कैसे काम चलेगा बताइए। आपके भी चैनल पे वही प्रॉब्लम होगी सेटिंग वाली, देख लेते हैं इनके भी चैनल पे। तो ये ऑडियंस आपको देख रही है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मैं ऐसे दिखा दूंगा। चलिए घबराइए नहीं, जो चीजें होती अगर आप पहले आ जाते तो चीजें पहले ही सही हो सकती थी, है ना। तो आप ट्रेवल करते हैं, आप कहाँ जाने वाले हैं? आप केदारनाथ उत्तराखंड जाने वाले। उत्तराखंड, दोनों लोग जी। काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता होगा फिर जी। हैं, तो ये कहाँ से आया आपके दिमाग में कि हम ट्रेवल करें? सही सही बताइएगा, भारत यात्रा करें बताइए। मतलब हमने एक लड़की का वीडियोस मतलब हमने देखा था, तो हमारे दिमाग में आया, मतलब हमारे व्लॉग्स नहीं बन पाते थे और हमें थोड़ा घूमने का शौक भी था, तो हमने सोचा कि मतलब हम भी वैसे ट्रेवल स्टार्ट करते तो हमारे व्लॉग वीडियोस बन जाएंगे इससे, तो हमारा मोनेटाइज भी हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि हम शॉर्ट डालते थे पहले डांस के और कॉमेडीज के, तो कॉमेडी वगैरह उसमें फिर ज्यादा व्यूज नहीं जाने लग गए थे, एकदम हो गया था। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से हमने फिर यही सोचा कि ट्रैवलिंग करेंगे तो व्लॉग हमारे। तो आपने तो वही शॉर्ट डाला पहले डांस करके, लेकिन फिर आपने उसमें लॉन्ग डाला, रिस्पांस मिला आपको? नहीं मिला ना। 9000 सब्सक्राइबर, चैनल मोनेटाइज नहीं है, बहुत दुख की बात है। मैम का भी चैनल है, इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप लोग सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा। बाकी बहुत काम करती है, मेहनत करती है नम्रता जी भी, और ट्रेवल करती हैं ऑल इंडिया, मतलब मत पूछिए यार, विदाउट मनी लिफ्ट ले लेके वीडियोस बना रही हैं, और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है यूट्यूब, देख ले आपके सामने है सारी चीजें। थोड़ा सा आप थंबनेल पे भी इम्प्रूवमेंट करिए, है ना, चैनल पे। और देखिए आप, इन्होंने भी सेटिंग नहीं किया, देखिए दोस्तों, दोनों लोग, दोनों बहने एक के नाम बैठी है। अब ये देखिए इनके चैनल पे इन्होंने भी सेटिंग नहीं किया, देखिए इन्होंने लिखा है कीवर्ड्स में वायरल वीडियो एंड ट्रेंडिंग वीडियो। बताइए, अब बताइए कि जब आपने अपने चैनल के कीवर्ड्स ही नहीं डाले तो आपका चैनल सर्च में आ रहा था? नहीं आएगा ना, तो कहां से आएगा फिर बताइए। बड़ी प्रॉब्लम है, एडवांस सेटिंग सेम वही प्रॉब्लम है जो इनके सिस्टर की थी। बेचारी मेहनत तो बहुत कर रही है, लेकिन क्या बोले हम, अब हम तो भाई वीडियो बना सकते, घर में आके डांट मार तो सकते नहीं, पर्सनली किसी के चैनल को हम देख नहीं सकते ऐसे, जब तक कोई हमारे पास आएगा नहीं। अब आप आई तो हमें पता चला कि आप, ये देखिए कुछ नहीं, आपके भी चैनल पे कोई कैटेगरी नहीं डिसाइड है, देखिए चैनल की कैटेगरी तक डिसाइड नहीं किया इन्होंने भी, बस 500-700 वीडियो डाल दिया आपने, सब्सक्राइबर आपको मिले लेकिन क्या वो ग्रोथ नहीं मिल पाई जैसा आप चाह रहे हैं। चलिए इसको हम सही करते हैं। बाकी आप लोग जितने भी लोग हैं, ये दोनों लोग काम करती हैं, आप लोग इनके चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि जो रेगुलर काम कर रहा है यूट्यूब पर, वीडियो बना रहा है, अच्छे वीडियो बना रहा है, यूट्यूब उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत परेशान है। आइए आप भी आइए, ऑडियंस आपको देख रही है, ये दोनों लोग हैं। पापा आए हैं आपके? अच्छा, पापा जी के साथ आई हैं, और दोनों लोग काम करते हैं, यूट्यूब चैनल है इनका, दोनों लोगों का ट्रेवलिंग व्लॉग है, दोनों लोग साथ में चलते हैं आप लोग, डर नहीं लगता कहीं? नहीं लगता। अरे भाई साहब बड़े खतरनाक लोग हैं आप लोग, तो हमें डरना पड़ेगा। तो ये लोग ट्रेवल अभी जा रहे हैं आप लोग केदारनाथ जी। तो अगर आप लोग केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो इनके चैनल से जुड़िए, और हम चाहते हैं कि बहुत मेहनत की है इन्होंने, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार दीजिए ताकि इन लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिले। बाकी जो कमियां हैं हम तो सही कर देते हैं, अभी बैठ के सही करवा देते हैं। हम यही चाहते हैं कि आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से जो लोगों ने अभी तक सेटिंग नहीं किया है वो लोग देखकर जरूर अपने चैनल को चेक कर लें, प्रॉपर तरीके से सेटिंग जरूर कर लें, एटलीस्ट चैनल के कीवर्ड्स डाल लें, चैनल की कैटेगरी डिसाइड कर लें कि आप कहां से, चैनल के कंट्री डिसाइड कर लें, समझ गए आप लोग। तो अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस देख रही है, देखिए इनके चैनल पे बहुत कमियां थी जो कि हमने सुधारी हैं, और बैठ के मैं सुधार दूंगा। बस यही दुआ करता हूँ कि थोड़ा सा अलग कंटेंट में ट्राई करिए आप लोग, है ना, एक नया चैनल बनाने की कोशिश करिए, और दोनों बहनें मिलके उसमें चैलेंजिंग टाइप के कुछ अलग, किसी को देख कर नहीं, हमें अलग कुछ क्रिएट करना है कि नहीं। बाकी आप जो ट्रेवल कर रहे हैं करिए, बेशक आपका इंटरेस्ट है उसमें। तो ऑडियंस से आप लोग क्या कहना चाहेंगे?
प्लीज आप लोग हमारा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारे 12 स्टेट हमारे कवर हो चुके हैं, और मतलब हमने बहुत ही ज्यादा इन दिनों में संघर्ष किया। हम 5 महीने से बराबर 13 फरवरी को हम निकले थे, और मतलब हमने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया है 5 महीनों में। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा हम दोनों बहनों का सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें बताइए, अब दोनों बहनों दोनों बहनों दोनों, बहनों। दोनों लोगों को दोनों लोगों को सपोर्ट करिएगा जाके। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो से जो आपने सीखा है कि शुरुआती दौर में हमें प्रॉपर तरीके से पहले अपने चैनल को सेट करना है, देन इसके बाद ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जिसकी वैल्यू आगे चल के लोगों को एंटरटेन करे या फिर उनको एंगेजिंग बनाए, ना कि जो हमें पसंद आ रहा वो हम डालें। ठीक है जी। समस्या यहां पर है, आपको जो पसंद आता आप वो वीडियो बनाते हैं, लोगों के हिसाब से थोड़ा सा देखिए वीडियो बनाइए। बाकी हम यही दुआ करते हैं भगवान से कि आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, अच्छे से जाइए केदारनाथ यात्रा, हम भी दर्शन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। भगवान तो हमको बुला नहीं रहे वहां भी, है ना, जब दर्शन करने का नंबर आएगा तो जरूर जाएंगे, लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम भी पहुंचेंगे। और आप लोग भी सपोर्ट करिएगा इन लोगों को, बहुत मेहनत की इन्होंने और आप लोगों के इनके चैनल को बदल दिया है, आपका चैनल भी बदल देंगे, आपका क्या रखें ट्रेवल विथ नम्रता कर देंगे, ट्रेवल विथ नम्रता कर देंगे इनका, उनका ट्रेवल विथ हिमांशी हो चुका है। तो दोनों लोगों के चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बस ठीक है।